गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज है रामनवमी। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं किचन में हूँ, बना रही हूँ कन्या के लिए खाना और उसके साथ करेंगे हवन। तो मैं यहाँ बना रही हूँ टमाटर और चने की ग्रेवी वाली सब्जी एंड सूजी का हलवा। तो सूजी को मैं भून रही हूँ, साथ में बन रहा है मेरी चने की सब्जी। चने की फ्रेंड्स मैं सूखी नहीं ग्रेवी वाली बनाती हूँ सब्जी, बहुत ही सिंपल तरीके से और लेकिन बहुत ही टेस्टी बन जाता है और बच्चे बहुत ही प्रेम से बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। सूखा चना होता है तो बच्चे खाते नहीं हैं, वो इधर उधर ही हो जाता है। तो मैं जो ग्रेवी वाली बनाती हूँ ना, तो इसके लिए मैं टमाटर अदरक मिर्ची को ग्राइंड कर लेती हूँ एंड फिर उसी को भून के ग्रेवी बनाती हूँ। एंड फ्रेंड्स ये हलवा में डाल रही हूँ मैं किशमिश, क्योंकि ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल देने से भी बच्चे कम पसंद करते हैं, पर किशमिश डाल देने से बच्चे आराम से खा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कई सालों से कन्या भोज भी कर रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया मेरे को। तो यहाँ मेरा हलवा भी बन के एकदम से रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और भून लूँगी बस। एंड उस ये इधर मैंने कुकर भी बंद कर दिया है, तो अभी 5 से 8 मिनट में मेरा ये चने की सब्जी ग्रेवी वाली भी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ फ्रेंड्स पूड़ी। पूड़ी अभी मैं थोड़ी निकालूँ क्योंकि अभी सुबह बहुत जल्दी है, कन्या आए तो 9-10 बजे तक ही मिलेंगी। तो अभी सिर्फ मैं माता रानी को जो मैं भोग लगाऊंगी उसके लिए और थोड़ा सा हवन करने के लिए 4-5 पूड़ी निकालूंगी और माता रानी को भोग लगाने के लिए उतनी पूड़ियाँ निकालूंगी। बाकी कन्या के लिए मैं अभी हवन वगैरह करने के बाद पूड़ियाँ निकालूंगी। फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने हवन भी संपन्न कर ली है। अब हवन सब हम चारों, मेरे दोनों बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम सब हवन कर रहे थे, इसलिए वीडियो हवन करते समय नहीं बनी बात को दिखा रही हूँ। एंड उसके बाद लगाया मैंने माता रानी को भोग, जो मैंने मंदिर में स्थापना कर रखी है, पूजा करी है 9 दिन तक। एंड उसके बाद आ गई कन्याएं। यहाँ अभी मेरे को सिर्फ 4 कन्या मिली हैं फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा उनको खिला देती हूँ, क्योंकि वेटिंग में रखो ना तो जो रहती हैं वो भी चली जाती हैं। तो इस पिछली बार मेरे को यही बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि पिछली बार हम लोग यहाँ नए नए आए थे ना, तो मैंने सोचा इकट्ठा करके फिर खिलाती हूँ, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। जो बैठी थी वो भी जाने लगी, इरीटेट होने लगी। तो मैंने सोचा इस बार मुझे जितनी मिलती जाएंगी ना, मैं उतनी लोगों को खिलाती जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे को 4 कन्या मिली हैं, तो मैं उनको खिला रही हूँ। अभी जब जैसे जैसे मेरे को मिलती जाएंगी वैसे वैसे मैं खिलाती जाऊंगी, यही मैंने सोचा। मुझे लगता है ये भी अंशुल जी के बराबर ही हैं। नहीं अंशुल जी मिस्टी बस फिर से बोलना, कोई फर्स्ट में होना चाहिए। चीकू को भी फर्स्ट में होना चाहिए। चीकू का एक सारे रीजन ले हुआ कोरोना की वजह से। मेरे को तो मैंने तो सुना था मिस्टी फर्स्ट केजी में, अभी मिस्टी कौन सी क्लास में? मिस्टी को मिस्टी की बात अच्छी बात होती है, अस्त क्यों हो सकता है? फोटो शैम्पू मैचिंग मैचिंग येलो येलो लो गुस्साई क्या अच्छा खाऊं खाऊं बैठो बैठो खाओ 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 बैठ गया नहीं जाएंगे वो बैठेंगे वो ऑफिस नहीं जाएंगे हाँ
लियो बामा नीचे आप आपके अच्छे से आ रही बहुत अच्छे से वीडियो भी बन रही है के जो है शिवी डांस कर दो बिल्ली को बुलाऊं कैट को बुलाऊं बुला लो कैट को बुला लो आओ 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 करके दिखाओ आओ 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 देखो कैट को बुलाने जा रही है बुलाने जा रही है कैट